बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं बना रही हूँ बीफ़ बनू पुलाव, जो कि बड़ा मज़े का बनता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वैसे ये रेसिपी जो है मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बनाई, तो वीडियो इसकी बना के नहीं डाली। तो मैंने सोचा आपके साथ ना ये मैं शेयर करूँ कि इस रेसिपी को बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके लिए मैंने चावल ले लिए। ज़्यादातर लोग जो हैं इसके अंदर जो चावल यूज़ करते हैं वो सेला करते हैं, लेकिन हम जो आम चावल यूज़ करते हैं बासमती के, वही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो खाने में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सेले की नस्बत। बाज़ार से जो हम चावल आते हैं वो ज़्यादातर सेले के ही होते हैं। तो उसके लिए चावल थे 1 किलो, और ये था चावल का पैकेट। अभी इनको भिगोया नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताती हूँ कि इनको पहले क्यों नहीं भिगोया। 1 किलो चावल हैं, और ये तकरीबन ये 2 किलो जो है बीफ बोटी है इस तरह से, क्योंकि इसमें जो बोटी का साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो आप अगर बड़े साइज़ के तो उसको छोटा कर लें। और यहाँ पे ये हड्डियाँ हैं, अगर आपके पास हड्डी बड़ी है तो वो भी यूज़ हो जाएगी। ये गोश्त के अंदर से जो हड्डी निकली है ये वही हड्डी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जितनी हड्डियाँ थी वो मैंने अलग कर ली हैं। ये भी बोटी है, इसको भी इधर रख देते हैं। और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इनको मैंने एक टोकरी के अंदर डाला था ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाए। यहाँ पे जी हमने 1/2 kg ले लिए प्याज, और उनकी कर ली है बारीक कटिंग। और यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर, वो भी 1/2 kg हैं, क्योंकि टमाटर और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बनू बीफ पुलाव में जो मसाला होता है ना वो चावलों के साथ लगा होता है और बड़ा मज़े का उसका टेस्ट होता है, और ये इन्हीं दो चीज़ों से ही मसाला बनेगा। टमाटर भी 1/2 kg है, इस तरह से बारीक कटिंग कर ली, और प्याज भी 1/2 kg है, उसकी भी बारीक कटिंग कर ली। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे घी का इस्तेमाल, और प्याज को ब्राउन करते हैं। प्याज का बहुत ही प्यारा कलर ब्राउन वाला आना चाहिए, क्योंकि यही कलर जो है वो चावलों पे आएगा। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे जी घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, 1 कप के बराबर इसमें ना घी डाला है, जमा हुआ घी था तकरीबन वो 1.25 कप हो गया होगा। इसमें डाल देते हैं प्याज, और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जी प्याज देखें ब्राउन हो गए हैं। इनका इनको जलाना नहीं, गोल्डन ब्राउन कलर इनको देना, ताकि चावलों को अच्छा सा कलर आ सके। साथ ही हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को कर लेंगे नरम 2-4 मिनट के लिए। इस तरह से इनको फ्राई करेंगे। टमाटर जब नरम पड़ जाए तो उनको डालेंगे एक पेस्ट बनाने के लिए, मिक्सी जार में डालेंगे और इनका ना पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से जो है ना वो चावलों में बड़ा ही अच्छा कलर आएगा, और बड़ा अच्छा ना टेस्ट भी आएगा। सारे प्याज और टमाटर जो हैं इनको हमने पेस्ट बना लेना है, और फिर से इसको डाल देना प्रेशर कुकर में। और इसमें डालेंगे हम, इसको थोड़ा सा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है अब। इसमें दादड़ मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून। सारा पेस्ट डाल दिया, दादड़ मिर्च डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे पानी। पानी जो है हम इसमें डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि जो यखनी है वो रेडी हो जाए, और हड्डियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से, हड्डियों के साथ जो गोश्त है वो गल जाए। तकरीबन ये 1/2 प्रेशर था जो पानी का, अगर हिसाब लगाए तो तकरीबन 6 गिलास थे जो मैं इसमें पानी ऐड किए थे। फिर इसमें डाल देंगे हड्डियाँ, और इसको लगा देंगे प्रेशर 10 मिनट के लिए, ताकि 10 से 15 मिनट के लिए कि हड्डियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। हड्डियाँ गल गई, गोश्त जो था वो गल गया, यखनी अच्छी सी बन गई है। और साथ ही इसमें जो हमने बोटी रखी थी बीफ, वो डाल देंगे यखनी बनाने के बाद। उसी यखनी के अंदर अब हम इसमें गोश्त डाल के इसको भी गला लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर फिर से लगाएंगे और चेक कर लेंगे। अगर तो आपको लगे कि आपका यहाँ पे गोश्त गलने के बाद यखनी जो है वो कम है, तो आप इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया था पुलाव मसाला, क्योंकि लाइट चली गई थी, और जो मैंने मसाला ग्राइंड करना था वो ग्राइंड नहीं कर सकी, तो फिर मैंने पुलाव मसाला नेशनल का डाल दिया था। तो इंशाल्लाह वो भी कभी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि घर के मसाले डाल के तो आप बनो बीफ पुलाव कैसे तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे भी बड़ा एक देगचा ले लिया था, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया था और इसमें मैंने 2 गिलास पानी और ऐड किए थे। फिर इसमें कर दिए थे चावल ऐड। चावल ऐड करने के बाद जी वो ही बात के गेस्ट आ गए थे, फिर मैं अगली वीडियो नहीं बना सकी। बस चावलों को 10 मिनट के लिए भुगोया था क्योंकि नए थे, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी, ज़्यादा उनको नहीं भुगोया था। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने चावल बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बने थे, सब ने बहुत पसंद किए थे। यहाँ पे जी आप लोगों ने वीडियो को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।